वेलकम टू शाइंस नवाबी किचन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल विद अदर्स। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं हैदराबाद के फेमस उस्मानिया बिस्किट्स। ये बिस्किट्स बहुत ही यूनिक होते हैं और ऑलमोस्ट हर कैफे में हैदराबाद के मिलते हैं। ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि इसमें चीनी और नमक की बैलेंस बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी और यूनिक फ्लेवर होता है इसका, और इसे बनाना उतना ही आसान है। मैं आज की रेसिपी में आपको दो तरीकों से बताऊंगी, ओवन में और आप चूल्हे पे कैसे इसे बना सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे में ईजीली आप कैसे बना सकते हैं वो दिखाऊंगी मैं। चलिए इसके इन्ग्रीडियंट्स चेक कर लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर 1.5 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा 160 ग्राम्स, पाउडर की हुई चीनी 3 टेबल स्पून, दूध और साफ्रान, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बटर 120 ग्राम्स। ये मैं स्ट्रेट रेफ्रिजरेटर से निकाल के यूज़ कर रही हूँ, इसे पहले नहीं निकालना नहीं तो मेल्ट हो जाएगा बटर। और हम नमक डालेंगे इसमें 2 पिंच, अगर आप सॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 1 टीस्पून डालिएगा नमक। सबसे पहले हम थाला या फिर फ्लैट प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर बटर को इस तरह उंगलियों की मदद से इसे प्रेस करेंगे। आप हथेली या पाम का इस्तेमाल ना करें ताकि बटर मेल्ट हो जाएगा। इसमें मैदा डाल दीजिएगा, मैदा सबसे फर्स्ट डाल रहे हैं हम, और इसे बहुत स्लो स्लो डालना है हमें, अच्छे मिक्स करते हुए, एक साथ नहीं डालना है मैदा, बिल्कुल इसी तरह से करिए। मैं डिटेल रेसिपी रख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो और आपके बिस्किट्स एकदम परफेक्ट बने, इसीलिए मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बता रही हूँ। देखिए मैंने 4 बार करके थोड़ा 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 डाला है मैदा, और इसे ऐसे अच्छी तरह से गूंद लिया है मैंने। अब इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये बहुत ही छोटे कप्स है तो मैंने जितना इंग्रेडिएंट्स में मेजरमेंट्स दिया है आप बिल्कुल वही हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहे तो वेनिला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो। इसे 2 मिनट तक अच्छे से गूंद लीजिए आप। गूंदने के बाद मैं इसमें शक्कर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और सॉल्ट तीनों मिक्स करके रख लिया था, वो पाउडर मैंने डाल दिया इसमें। इसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन सारे चीज़ों को। अच्छा सा मिक्स हो गया है लेकिन थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा हमें स्प्रिंकल करना है दूध, ज़्यादा नहीं डालना है। बस इसे अच्छा सॉफ्ट होने तक हमें गूंद लेना है और इसे अच्छी तरह मसलना है हमें, और गूंदना जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही गूंदिएगा। एटलीस्ट 2 to 4 मिनट्स तक गूंदिए आप ताकि इसमें अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये प्रोसेस को हम एरेशन कहते हैं, इससे बिस्किट्स बहुत ही क्रंची बनते हैं, अदरवाइज अच्छे नहीं बनेंगे। सॉफ्ट तो अभी तैयार है, हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। एक फ्लैट सरफेस पर आप ड्राई फ्लावर से डस्ट कर लीजिएगा, आटे से डस्ट करने के बाद हम हमारे आटे को इस पर रख के रोल करते हैं। बिल्कुल धीरे से हमें इसे रोल करना है नहीं तो ये ब्रेक हो सकते हैं। और इसे मैंने 1/4 to 1/2 इंच थिकनेस रखा है, आप चाहे तो और मोटा भी रख सकते हैं क्योंकि उस्मानिया बिस्किट मोटे होते हैं। अब मैं इसे ग्लास की मदद से भी कट करना आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे तो कोई दूसरा ढक्कन या फिर कोई दूसरा कैप यूज़ कर सकते हैं, ग्लास यूज़ कर सकते हैं। कुकी कटर हो तो आप कुकी कटर की मदद से ऐसा राउंड शेप में कट कर ले कुकीज़ को। अब इसे धीरे से जो किनारे हमारे बच गए हैं आटे के उसे हम निकाल लेंगे, इसे वेस्ट नहीं करना, हम इसे दोबारा से यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगी उसे दोबारा से कैसे इस्तेमाल करना है। फर्स्ट बैच कुकीज़ के रेडी हो गए, हम इसे हटा लेंगे। फिर से आप थोड़ा सा डस्ट करिए आटे को। इस पे जो हमने निकाल लिया था कॉर्नर्स आटे का उसे हम धीरे धीरे प्रेस करके एक अच्छा सा शेप देंगे। इसे जैसा चाहे वैसा मत करिए, जिस तरह मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह आप ऐसा धीरे धीरे प्रेस करके इसे शेप दें। बाकी का हम सेम प्रोसेस करेंगे, इसे फिर से बेलन की मदद से रोल कर लेंगे। वैसे ये रोल हो गया है, मैं थोड़ा साइड्स के कॉर्नर्स निकाल रही हूँ, हमें थोड़ा भी आटा वेस्ट नहीं करना, हम उसे भी ऐसी तरह इस्तेमाल करेंगे, फिर से इसी तरह इस्तेमाल करना है ताकि हमें थोड़ा भी आटा नहीं बचे जितना आपको पूरा।
चलिए ये बिल्कुल तैयार है। बाकी के आटे को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब एक बेकिंग ट्रे में आप ग्रीस पेपर या फिर 5 मिनट पेपर रख दीजिए। आप चाहे तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। हमने सारे कुकीज़ को अरेंज कर लिया है। मैंने ये दूध और ज़ैफ़रान को माइक्रोवेव में थोड़ी देर रख दिया था और इसे मैं अच्छी तरह बिस्किट पे वॉश कर रही हूँ। आप ज़्यादा ही डालिए ताकि कोटिंग अच्छी सी आ जाए बिस्किट पे। हम बाकी बाद में इसे दूध को एक्स्ट्रा दूध को हम निकाल देंगे। तो ये कुकीज़ अच्छी तरह वॉश हो चुके हैं। जो भी एक्स्ट्रा मिल्क होगा मैं इसे ड्रेन कर दूंगी। अब इसे ज़ैफ़रान के दूध से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है, कलर आता है बिस्किट को। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ैफ़रान नहीं ऐड करना चाह रहे तो, लेकिन दूध से वॉश ज़रूर करिएगा। एक्स्ट्रा मिल्क को मैं निकाल रही हूँ इसमें। चलिए अब हम बेकिंग की तैयारी करते हैं। मैं फर्स्ट मेथड आपको दिखा रही हूँ जो हमें चूल्हे पे बनाना है। बड़े से भगोने में मैंने सॉल्ट स्प्रेड कर दिया है, नमक को अच्छा डालिए आप। नीचे पूरा बॉटम कवर होने तक नमक डालने के बाद मैं इसमें इडली की प्लेट रख के हम बेक करेंगे, या आप चाहे तो एक छोटी सी कटोरी रख के उसके ऊपर एक फ्लैट थाली रख के बिस्किट को अरेंज करके भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको इडली प्लेट में रखना बता रही हूँ। इस पर मैंने छोटे छोटे पेपर कट कर लिया है, 5 मिनट पेपर। इसके ऊपर मैं अपने बिस्किट सारे अरेंज कर दूंगी। ये वाला लास्ट पीस जो बचा था डो का वो है, इसीलिए ज़्यादा मोटा और बड़ा लग रहा है। डजेंट मैटर। ओके, मैं सारे इसे ऐसे अरेंज कर लूँगी। अरेंज करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसे किस तरह से स्टोव पे हम पका सकते हैं। लिड को आप कवर कर दीजिए अच्छे से और बिल्कुल धीमी आंच पे हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है। और ऐसे होल वाले उस पे लिड वाला इस्तेमाल करें ताकि इसमें अंदर की भाप जो है वो बाहर आ जाए। मेथड 2 बता रही हूँ मैं आपको ओवन में कैसे बेक करना है। ट्रे को आप ओवन में रख दीजिए। इसे 180 डिग्रीज पे 20 to 25 मिनट्स तक पकाना है हमें, या फिर आपको जब तक के आपके बिस्किट परफेक्ट ब्राउन एंड गोल्डन ब्राउन कलर नहीं दिखे जब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स बिस्किट्स बिल्कुल तैयार लग रहे हैं। हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये भी बिल्कुल रेडी लग रहे हैं। हमें क्या करना है, इसे लास्ट में हर 2 मिनट को थोड़ा सा पलटाते जाना है ताकि सब बिस्किट्स पे इवन कलर आ जाए। मैं बिस्किट्स को ठंडा होने एक रैक पर रख रही हूँ। आप चाहे तो वायर रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इंश्योर करिए कि चारों तरफ से एयर फ्लो रहे बिस्किट को, अदरवाइज ये नरम हो जाएंगे वेपर से। चलिए क्रंची डिलीशियस उस्मानिया बिस्किट बिल्कुल तैयार है। आप इसे ईरानी चाय के साथ, कड़क चाय के साथ सर्व करें और अपनी इवनिंग्स को बेटर बनाएं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आया। पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।